नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। पंचायत कंप्यूटर भर्ती को लेकर जनसेवा केंद्र संचालकों CSC VLE ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। प्रतापगढ़ जिले में जनसेवा केंद्र CSC VLE के अध्यक्ष उदय चंद्र की अध्यक्षता में जिले भर से जनसेवा केंद्र CSC VLE के संचालकों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा ज्ञापन सौंपा। जनसेवा केंद्र के अध्यक्ष उदय चंद्र ने कहा कि हम 2012 से जनसेवा केंद्र चला रहे हैं और सरकार हम लोगों को लगातार लॉलीपॉप देती चली आ रही है। कभी कहती है कि 11,800 जमा करो, मुफ्त में वाईफाई देंगे, और आज सरकार गांव में भर्ती निकाल रही है बिना किसी सर्टिफिकेट के। हम लोगों ने इतने दिन घास छीली। ज्ञापन में सरकार से कहा कि हम लोगों ने COVID-19 वैक्सीन, रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, आर्थिक जनगणना प्रमाण पत्र, बैंकिंग सर्विस आदि घर घर जाकर पहचाने का काम किया। हमें डेटा एंट्री का अनुभव भी है। पंचायत ऑपरेटर भर्ती में हमें प्राथमिकता दी जाए। दिनांक 29 जुलाई 2021 को हम सभी लोग कलेक्ट्रेट प्रांगण में, हम सारे बिजली लोग अपना CSC जनसेवा फाउंडेशन के नेतृत्व में, जो हमारी समिति है, रजिस्टर्ड संस्था है, उसके नेतृत्व में हम सारे बिजली इकट्ठा हुए और गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई पंचायत राज जो ऑपरेटर की भर्ती निकली है, इसके बारे में हम लोगों ने अपने विचार करके ये तय किया है कि अगर हम लोग 2012 से CSC का काम कर रहे हैं और हम लोगों को लॉलीपॉप दिया गया कि आप लोगों को वाईफाई फ्री मिलेगा, ये मिलेगा, 11,800 रुपये जमा कराएंगे कि आप सचिवालय में बैठेंगे, और आज हम लोगों को दरमिनार करके आज ये नई वैकेंसी निकाल रहे हैं, नए लोगों के लिए निकाल रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए निकाल रहे हैं जिनके पास प्रशिक्षण का कोई सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं गया है। पूरे विज्ञापन में इन्होंने मांगा ही नहीं है। वो लोग आप ग्राम का सचिवालय देखेंगे, हम लोग क्या वहाँ पे घास बीनेंगे? हम लोग की मांग है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों की बातों को गंभीरतापूर्वक विचार करे और हम लोगों को, चूँकि 2008 से हम लोग जब शहर जनसेवा केंद्र था तब से हम लोग CSC E-Governance का काम कर रहे हैं और आज 13 साल बिताने के बाद कोई 40 साल का, कोई 42 साल का, कोई 45 साल का, कोई 50 साल का है, अब हम लोग को कोई पूछेगा नहीं। और अगर हम लोग अपने गांव से निकाले जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश सरकार इस पर गंभीरता से विचार करें और हम लोगों के साथ इंसाफ करें। जय हिंद। ये खास रिपोर्ट थी रमेश पासी की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।